हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ केरे और प्याज की चटनी की रेसिपी। ये हमारे इधर बहुत बनाई जाती है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। इसके लिए हमने दो कच्चे आम को छिलका निकाल कर छोटे टुकड़ों में काट लिया है और तीन प्याज को, ये मीडियम साइज़ के प्याज थे फ्रेंड्स, उनको भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे। फ्रेंड्स, चटनी बनाने के लिए हमको केरे और प्याज बराबर मात्रा में ही लेते हैं हम। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। सबसे पहले हम केरे डालेंगे, उसके बाद कटा हुआ प्याज डाल देंगे। वैसे फ्रेंड्स, ये चटनी हम सिलपट्टे पे पीसते हैं तो उसका स्वाद ही बहुत दोगुना हो जाता है और बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपके पास सिलपट्टा हो तो फ्रेंड्स, आप उसी पर पीसिए इस चटनी को, बहुत ही टेस्टी लगती है। हम भी पीसते हैं, लेकिन अभी हम मिक्सी में बना रहे हैं फ्रेंड्स, मिक्सी में बना सकते हैं। हमने दो से तीन लाल मिर्ची ली हैं, इनको दो टुकड़ों में काट के डाल रहे हैं फ्रेंड्स, हाथ से तोड़ दे रहे हैं हम तो। और अगर आप सूखी मिर्ची लेना चाहें सूखी भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास सूखी भी ना हो तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं या हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड, लेकिन ये लाल मिर्ची से अच्छा टेस्ट आता है। एक चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, ये ज़रूर डालें फ्रेंड्स, इसके टेस्ट अच्छा आता है। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स इसमें। एक चौथाई चम्मच काला नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपके इधर भी ऐसी चटनी बनती है फ्रेंड्स, तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ हम धनिया पत्ती डालेंगे फ्रेंड्स, अगर आपके पास पुदीना पत्तियाँ हों तो आप पुदीना पत्ती भी डाल सकते हैं इसमें। ढक्कन को बंद करेंगे और चटनी पीस कर तैयार करेंगे। तो चटनी फ्रेंड्स हमने पीस ली है, इसमें कलर थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है वीडियो में, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका कलर खूब बहुत अच्छा आया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, चटनी बनकर तैयार है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। इससे गर्मियों में लू नहीं लगती है फ्रेंड्स और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो फ्रिज में रख कर आप एक हफ्ते तक खा सकते हैं। इसको पूड़ी, पराठे, रोटी, दाल, चावल किसी के भी साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगती है और गर्मी में तो खाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आप एक चम्मच चटनी रोज़ खाएंगे तो आपको लू नहीं लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।